सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े भी नहीं हो सकते। किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित करता है। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता। आज का पंचांग 28 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 12:27 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र शाम 5:40 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2 बजे से 3:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 28 अप्रैल 2022 दिन गुरुवार, मतभेद या नुकसान के कारण किसी यात्रा की योजना रद्द हो सकती है। अतीत से कोई व्यक्ति या मुद्दा आपके सामने आ सकता है। समूह और क्लबों में भागीदारी का आनंद लें क्योंकि यहां आपकी कंपनी की सराहना की जाएगी। अधिकता और बुराई या जोखिम भरे व्यवहार से भी बचें। आज हर अवसर और मौका आपके लिए खुला रहेगा। इस समय आपका उत्साह भी अत्यधिक है। इसके साथ ही नए विचारों का भी आपके जीवन में आगमन होगा। जीवन की निरस्ता को छोड़ें और अपने पंखों को खोलें। ऊंचा उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। महानता कभी न गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। पिछले कुछ समय से जिन योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत थे अब उनका फलीभूत होने का उचित समय आ गया है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, इसलिए अपने कार्यों के प्रति पूरी निष्ठा रखें। धर्म कर्म संबंधित मामलों में भी आपका रुझान रहेगा। भौतिक सुखों के पीछे भागदौड़ बढ़ सकती है। अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न बढ़ाने होंगे। रिलेशनशिप से अधिक आप काम और पैसे को महत्व देते हुए नजर आएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से रिलेशनशिप के लिए नकारात्मकता न रहे। उत्साह बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस कारण नए लोगों के साथ मिलकर नए अवसर प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। पार्टनर पर विश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस कारण रिलेशनशिप के लिए नकारात्मकता कम होने लगेगी। सावधानियां, विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपने लक्ष्य को पूरा करने में और अधिक मेहनत करें। अपनी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। निकट संबंधी ही आपके खिलाफ कोई अफवाह फैला सकता है, इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर किसी रहस्यमय रिश्ते में है तो अब वक्त है इसके बारे में सबको बताने का, क्योंकि ऐसा करना आप दोनों के रिश्ते को एक नए लेवल पर ले जाएगा। अपमान या दुख से बचने के लिए अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। अपने पार्टनर को प्रभावित करने के लिए कुछ खास अवश्य करें। आज का दिन केवल आपका ही है तो अपने पंखों को खोलें और उड़ान भरें। जिंदगी में कुछ अलग करने के लिए आप एक साहसिक यात्रा की योजना बना सकते हैं। आज आप अपने रोमांटिक जीवन में कुछ बदलाव के बारे में भी सोचेंगे। विवाह योग्य है तो तैयार हो जाएं। जल्दी ही सहनाई बचने वाली है। बात करते हैं करियर की। अभी आपके आसपास के लोग आपके प्रदर्शन की सराहना कर रहे हैं। जीवन में आए किसी भी खतरे या झटके से आप प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि आप अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरह से केंद्रित हैं। सफर में होने वाली परेशानी या नुकसान से बचने के लिए आज यात्रा ना करें। आपके सितारे आज आपके लिए नई चीजों, मौकों और रास्तों को लेकर आया है, इससे आप उत्साहित होंगे, लेकिन इसके साथ ही आपके मन में नए विचार भी आएंगे।
अब समय है विकास का और आसमान को छूने का। महान व्यक्ति केवल नए अवसरों के लिए तैयार ही नहीं रहते बल्कि उनका निर्माण भी करते हैं। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा सिर्फ मौसमी बीमारियों से अपना बचाव करते रहना है। सुव्यवस्थित दिनचर्या रखें। पेट की जलन तकलीफ दायक हो सकती है। खान पान का बहुत ध्यान रखें। बाहर के खाने से बचें। आज का उपाय, आज आप लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।